तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल बंदर स्टैंड। आपका स्वागत है। सो आज की जो वीडियो है वो इंडियन ट्रेन क्रॉसिंग ट्रेडी के अपकमिंग अपडेट्स रिलेटेड है। आई नो कि आपने जो है वंदे भारत का केबिन व्यू देख लिया होगा, बट उसमें वंदे भारत ही आएगा क्या? तो ये बताने के लिए मैं डेट्स में क्या क्या है वो मैं सारी डिटेल इस वीडियो में सेपरेटली इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि डेट अब आने वाला है कुछ ही दिनों में। कुछ दिनों में महीना भी होता है, ठीक है। तो ये बस समझ लेंगे कि भाई कुछ तो यहाँ पे बात करते हैं अभी जो हाल फिलहाल में एसबीके टू गेम्स ने जो है अभी ऑफिशियली जो है वंदे भारत कैबिन व्यू का एक फोटोज डाला है। लगभग आज एक हफ्ता हो चुका है, तो 7 दिन पहले उन्होंने डाला था अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे। एंड यहाँ पे मैं अगर बताता चलूँ तो उनकी जो लेटेस्ट वीडियो जो थी वंदे भारत से रिलेटेड वो थी 18 फरवरी, यानी कि 18 फरवरी को। एंड उससे पहले उनकी जो फर्स्ट जो मतलब कैबिन जो आई थी बॉगी इसकी इमेजेस वो आई थी 2023 के 10 सितंबर, मतलब फर्स्ट अगर वंदे भारत की अगर मैं बात करूं तो हमारा 26 जनवरी पे देखने को मिला था। एंड 2023 में मतलब लिटरली 1.5 साल हो चुके हैं वंदे भारत से रिलेटेड। उससे पहले अगर हम बढ़े थोड़ा सा, मतलब 26 जनवरी से पहले, 2023 के 26 जनवरी से पहले, तो हमें जो है 8 दिसंबर 2022 को एक पोस्ट आता है SBK 2K गेम्स की तरफ से। वो थी DM ट्रेन्स, यानी कि एक पूरा कोच था जिसमें जो है मैं 3D में ग्रे कलर का, यहाँ पे फोटो आ रहा होगा आप नीचे देख सकते हो, मैं ये आया था 8 दिसंबर 2022 को। अब वंदे भारत के साथ हमें क्या क्या देखने को मिलने वाला है वो मैं बताने वाला हूँ आपके साथ। वंदे भारत तो कन्फर्म्ड है, बट अगर आप गेम में जाओगे एंट्री करोगे तो आपको यहाँ पे एलएचबी कोचेस, न्यू बिल्डिंग्स, ट्रीज, इवन न्यू लोकोमोटिव्स। एंड यहाँ पे अगर नीचे आओगे इंडियन ट्रेन सिमुलेटर, एंड आपको ये बात पता नहीं होगी, मे भी शायद ही नहीं पता होगी आप, अगर मेरी अगर ये वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया मेरा जो यहाँ पे आ रहा होगा फोन में, यहाँ पे थंबनेल लगा देता हूँ, तो भाई आपने मिस कर दिया है। ये गेम के ऊपर वो काम कर रहे हैं और यही वजह है जो गेम डिले हो रहा है। हालांकि ऐसे ही ये गेम पे भी काम हो रहा है और ये गेम पर भी, मतलब दो गेम पे वो 2 साल से काम कर रहे हैं, यही वजह जो गेम डिले हुआ है। एंड अब बात करते हैं ITC 3D में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वंदे भारत के साथ। तो यहाँ पे मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कम से कम एनवायरमेंट चेंज होगा, ग्राफिक्स और स्मूथ किया जाएगा, मतलब अल्ट्रा किया जाएगा, मतलब पूरा एक तरीके से चेंज किया जाएगा। इसके बाद फिर वो जो है अपने पूरे जो जो क्या बोलते हैं उसके साथ वो LHB कोचेस ऐड करेंगे, वेब 5 जितने भी लोकोमोटिव्स हैं, इवन जो भी लोकोमोटिव्स हैं वो सारे, मतलब मे भी सारे नहीं कहूँगा मैं, जो मेन लोकोमोटिव है लाइक WagonR, WP5, WP7 एंड जो मतलब मेन लोकोमोटिव्स हैं जो इवेंचुअली वर्क करते हैं इंडियन रेलवेज में, तो वही ऐड होने वाले एंड कुछ रूट्स भी ऐड करने वाले वो। तो ये मेरे पास प्रूफ है, यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ टेलीग्राम का, ये मैंने कुछ मेंबर्स से मैंने बात की थी मेंबर्स के। एंड अब यहाँ पे जो है, यहाँ पर आप एक न्यूज़ पढ़ो, 14 अगस्त का न्यूज़ है ये, वंदे भारत कम्प्लीट हो चुका है, पेंटोग्राफ बाकी है, पिक जो है वो अभी शेयर नहीं कर सकते कि मॉडल जो है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपने मिस कर दी, मॉडल जो है वो है PC लेवल का। हालांकि ये पिक्चर अभी आई नहीं है, मतलब फोटोज जो अभी मेरे पास नहीं आए हैं, जब भी आएगा वो शेयर कर देंगे। अब यहाँ पर मैं रिलीज डेट के बारे में एक चीज़ और मैं कहूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसके बाद जो है वो इंडियन ट्रेन सिमुलेटर पे काम स्टार्ट होगा। मतलब काम रुका हुआ है, सोच रहे तो ये है वजह जो गेम डिले हुआ है, गेम के अपडेट्स डिले हुए। बहुत से लोग बोल रहे थे भाई डेवलपर भूल चुका है, डेवलपर ये है वो है ऐसा है फलाना ढिकाना, सारी बातें यहाँ पे मैंने आपके आज क्लियर कर दी है। अगर आपको डेट्स जाननी है तो मैं बताता चलूँ, मैंने उसे डेट्स पूछा तो उन्होंने कहा है कि ये बात मुझे भी नहीं पता, वो खुद डेवलपर जानते हैं,
बस उन्होंने कहा कि हम इस अपडेट्स को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे, बट मेरे हिसाब से मैं जब भी अपना एक्सपेक्टेशन रखता हूँ वो डेट मतलब और भी आना था। मैं इंडियन ट्रेन स्प्लेंडर की बात छोड़ के कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे मैं कोई ये गेम का मैं एक्सपेक्टेशन नहीं रखने वाला, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरे एक्सपेक्टेशन से ऑर्डिफिस्टिक मतलब आउट ऑफ सिलेबस जा चुकी है एक्सपेक्टेशन के मामले में। तो इस गेम के बारे में मैं नहीं बात करने वाला, ITS के बारे में। हाँ, बाकी और भी गेम्स हैं जो कि अगर पोस्टपोन हुई है तो मैंने आपको जस्ट फटाफट बता भी दिया, ठीक है, लाइक इंडियन रेलवे सिमुलेटर से रिलेटेड। तो ये बात थी, एंड इसके रिलीज डेट के बारे में बात करूँगी। दिस इज नॉट ऑफिशियल, दिस इज नॉट क्या बोलते हैं उन्होंने, ये डेवलपर्स के तरफ से ऑफिशियल नहीं है, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। मैं कहूँगा तो दिवाली तक, दिवाली शायद मे बी नवंबर में है, एंड अभी अगस्त का लगभग 20 तारीख हो ही गया लगभग, तो सितंबर एंड अक्टूबर 2 महीने शायद आपको और वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, दिवाली द बेस्ट ऑप्शन ऑफ रिलीज डेट, मतलब दिवाली बेस्ट ऑप्शन है रिलीज करने के लिए अपडेट को, मे बी मेरे को यही लगता है। अगर बाकी अपना अपना अपने ओपिनियन जरूर कमेंट में शेयर करना, बाकी वीडियो कैसी लगे, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, बैकग्राउंड अगर नॉइस थोड़ा बहुत प्यारा हो तो प्लीज़। घर पे यार घंटा रहता है अभी, पता नहीं क्यों घर पे दूसरा भी रेनोवेट हो रहा है ना, इस वजह से। फिलहाल के लिए बस इस अपडेट में इतनी, अगर अच्छा लगा हो अपडेट एंड अगर आपको न्यूज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मैं हूँ तुम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस। एंड एक बात और, ट्रेंड्स मीडिया का नया अपडेट आ चुका है, अगर आपने हम लोगों ने अपडेट नहीं किया है तो यहाँ पे वर्जन देख लो, कुछ चेंजेस आए हैं एंड बग बग जो है इशू फिक्स किया गया है, चेकआउट कर सकते हो, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। 27 MB का अपडेट आ चुका, बाकी मिलते हैं, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।